1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕੀ ਉਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਸੀਂ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣਾ 2001 ਚ ਖਾਲਦ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਖਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ 2006 ਚ ਗੁਰਨ ਖਾਲਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ 2021 ਚ ਗੁਰਨ ਸਰਵ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਖਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ और मैं हूँ आपकी मेज़बान खुशबू। नाज़रीन, इंसानियत की खिदमत करने वाले नियामत अली बारा साहब की मैं आपके साथ मुलाकात करवाने जा रही हूँ, जिन्होंने 3 किनाल अपनी ज़मीन सिर्फ गरीबों मुसाफिरों के लिए मुख्तस कर दी है। उनको खाना फ्री में देते हैं, रिहाइश फ्री में देते हैं, उनसे 1 रुपया भी नहीं लेते। और इन तमाम नेकी के काम के पीछे क्या वजह थी, इनको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता था लेकिन उन्होंने ठाया नहीं, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बारा साहब कैसे हैं? अल्लाह का कर्म, दुआएं आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह मैंने आपके तमाम विजिट किया, बहुत ही खूबसूरत आपने निज़ाम बनाया हुआ खास तौर पे गरीबों के लिए। तो ये कब से सफर आपने शुरू किया और इसकी वजह क्या थी? ये 1982 जमीन विकी तो उदो लखा रुपये आ गया सी जिमीदार बंदे कभी इन्ने पैसे वेखे ही नहीं सन तो वह फिर साढ़े वालद ने अद्धे पैसे अल्लाह के नाँ के कर दिते तो अद्धे पैसे जड़े ने अगे जमीन ले ली 100 एकड़ रैविंडा को अद्या पैसों चो एक 3 कनाल जमीन तो मुसाफरखाना बना गया साढ़े बुजुर्ग और 4 मस्जिदा बना के गए ने ते आप वो चले गए ने 2003 तो जोड़े खड़े ने सजदे उन्होंने तो डॉक्टर इकबाल साहब फरमाते हैं कि दागे सजदा तेरी पिछानी पे हुआ तो क्या हुआ को ऐसा सजदा कर जमीन पे निशान रहे बाकी। और जबरदस्त और गंगा राम ने सजदा किया, गुलाब देवी ने किया, साढ़े बुजुर्ग कर गए ने लखा दुनिया सजदे आप चले जाते ने सजदे खड़े ने कि उम्र भर हम यूं ही गलती करते रहे गालब धूल चेहरे पे थी और हम ऐना साफ करते रहे। आपके वालिद साहब ने ये नेकी का काम शुरू किया, उसके बाद से अब आप उनके नक्शे कदम पे चलते हुए ये कर रहे हैं। आम आदमी अगर देखे तो अपनी ज़मीन को अपने घर को रेंट आउट कर देता है या किसी जिसे कहते हैं फसल वगैरह उगा लेते हैं। 100,000 आइडियाज़ हैं जिनसे ये तजारत कर सकते थे लेकिन आप लोगों ने फ़ायदा नहीं उठाया। तो दिल्ली में कभी बात नहीं आई है, कभी बच्चों ने कह दिया हो कि अबू आप किन चक्करों में हैं, हम भी फायदा उठाते? नहीं नहीं नहीं, कोई गल नहीं। साढ़े बुजुर्ग और अगर तुम वेख्या होगा कि लिखा है कि मेन जानब अल्लाह का नौकर, साढ़े वाल साहब ने आख्या इतने लिख दे सफाई तू खुद करनी है, वाशरूम ने जड़े उन्हें उतों तक मैं सफाई खुद करना, क्यों कि नौकर नहीं रखना। हूँ साढ़ा बेटे MPA भी ने, बहर भी गए ने, इतने भी ने, मिसाल है तो उन आते ने तुम आबा अही 50-60 हज़ार लाख महीना दे देंगे बंदे रखो तो अही यह जे बंदे रख लए तो फिर मैं तो मालिक हो जाऊँगा फिर नौकर तो नहीं ना अल्लाह का रहना। तो इस गले फिर वो 2001 खालद रांझे ने खिदमत खल पंजाब का अवार्ड दिता, 2006 गुरन खालद ने तो ए हूँ 2021 गुरन सर्व ने खिदमत खल पंजाब का अवार्ड दिता है। तो उत्थे वे गवर्नर साहब भी सानू बड़ा उत्थे आख्या सरवर साहब ने अच्छे आदमी ने कि कोई खिदमत साडे लायक कोई काम सानू, मैं हजे तो कोई काम नहीं है भाई अ कोई अही खिदमत करिए, मैं हूँ तुम खिदमत करोगे तो ही चले जाओगे फिर कौन करेगा, वो चला जाएगा फिर कौन करेगा, साड़ी अल्लाह ही खिदमत करता है पिया। अल्लाह ने टावर लाए ने वेखो ना इतने भी 2 उत्ते 2 हेठा वादू पैसे महा गवर्नर साहब सानू की लोड़े तो हथों खिदमत लैन दी। ठीक हो गया माशाल्लाह, सारा सफाई अपने हाथों से करते, थके नहीं कभी? ना, जिन्नी मैनू खुशी सफाई कर लगे होंदी है उन्नी किसी काम च नहीं होंदी, कोई नफरत नहीं कभी हुई, कोई स्मेल वगैरह? ना ना ना। अच्छा, यहाँ पर मजदूर लोग रहते हैं और गरीब लोग रहते हैं, मुसाफिर लोग रहते हैं, तो अभी तक कितने कमरे हैं आपके पास और कितने लोग रह रहे हैं? इतने 20 कमरे ने उत्ते 200-250 की तादाद है 82 लाख के मिसाल है, तकरीबन 40 साल हो गए ने खिदमत करदियां ते और सुकून है अल्लाह का। साढ़े वाल साहब ने फरमाया कि इतने जड़े आने ने ना ये अल्लाह के ममान ने, इन्हों झिड़कना नहीं। ये तो अब्दुस्तार ईदी साहब थे, वो भी इंसानियत खिदमत के लिए बढ़ चढ़ के काम करते रहे, उनका नाम पूरी दुनिया जानती है, तो आप उनसे इम्प्रेस हैं? बहुत ज़्यादा। मैं लेकिन उन जैसी मिसाल देखने में नहीं आती। नहीं, यह जरा उन्हें ईदी साहब ने काम किया ही उन्हें आके दुआवा भी करने कि अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस की जगह तो उन्हें उन्हें बड़ी खिदमत की है। तो और जेड़े है हूँ मिसाल मेरी असी जो इमरान खान जो वजीर आजम बनया मिसाल है, ये जदों इन्हें शौकत खानम किया साड़ी जमीन है जो टाउन च,
उत्थे उन्हें शुरू किया, लोगों ने जेवर तक बड़ा कुछ लोगों किया। साढ़े को पैसे को नहीं सर ना जेवर से, तो अं एक मझ वेच के तो शौकत खानम के 12,000 रुपया दिता है और वह साडा सही लगा। हूँ अं जो शौकत खानम जाइए तो अगों वेखीद सानू अपनी मझ नज़र आँगी द्वार के विचों कि जरा इमरान खान अपने हिस्सा डाला हुआ है। अगर हम आज इन्हें लोग तबाह करते हैं, दो ही बंदे मैं तो अपनी जिंदगी वेखे ने पाकिस्तान च, एक इंदी साहब और एक इमरान, जिन्होंने लोग पैसे देते हैं तबाह करते हैं, बाकी को नहीं। अच्छा अंकल जी, यहाँ पर आपने रिहाइश दी हुई है तो लंगर का क्या हिसाब किताब है? लंगर जो पैसे होने पकाईता ना होने बंद कर दिता, किसी को लैके नहीं कभी किया। अगर किसी को पैसे ले लै जां किसी मजदूर को 100 रुपया भी ले लिया तो अपने आप नाल भी धोखा, अल्लाह नाल भी धोखा। हाँ, जब आपके पास इस्तात होती है तो आप खाना बना लेते हैं, लंगर बना लेते हैं। अच्छा, मैंने आते हुए एक गली देखी जिसमें लिखा था फीस बिलीला गली, वो जो फीस बिलीला गली है वो उसका क्या मतलब है? आज साढ़े वालद ने छी फीस बिलीला गली कोई 10-15 मरले की। अच्छा। अपने बिचों के दुनिया लंघेगी टपेगी, मस्जिद का नमाजी जाना है तो इतों हर बंदे ही लंघना है, तो इस गलिया गली छी 10 फुट तोड़ 350 फुट। अंकल जी, बड़ा बेहतरीन काम जिसके लिए हम आप आए और हमने लोगों को भी दिखाया कि किस तरह से आप खिदमत हल कर रहे हैं। नफसा नफसी का माहौल है, लोग सेल्फिश हुए हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं, इवन यहाँ तक कि कोशिश करते हैं किसी दूसरे का भी हिस्सा खा जाए। तो जो लोग ऐसे आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे जिससे उनको इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह की याद आ जाए और वो भी आपकी तरह लोगों की मदद करें? ये तो जेड़ा है ना, ये तो अल्लाह का फरमान है ना कि किसी को तकलीफ देकर मुझसे खुशी की दुआ मत करना, अगर आप किसी को खुश करते हो तो फिर अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। अगर जिन्हें एक तकलीफ दी हो तकलीफ लैके गया है, जो बीजा वो ही वढ़ना है, बीज किकरां दे बीज तो फिर पालना है खजूरा, ये किवें हो सकता है? जो बीजेगा वो वढ़ के जाएगा, भावें अल्लाह ताला उनकी उम्र वधा देंदा है कि इन वढ़ के जा जिहड़ा बीजा है, तो अल्लाह ताला दे जिहड़ा करम है फजल है हर टाइम ही है मालिक का, वो बेपरवाह जात है। हाँ, जो आप बोएंगे वही काटेंगे। बहुत ही खूबसूरत मैसेज अंकल, जाते जाते लड़कियों के लिए, खवातीन के लिए, यहाँ पे मुझे कोई सिस्टम नज़र नहीं आया, आने वाले मुस्तकबिल में उनके लिए क्या इकदाम करेंगे? जो प्लाट है ना जो खाली है एक कनाल का है, इन बारे के असी सोचा है कि इतने ना बाबे होन, माइया होन, बच्चिया होन, ए सिर्फ उन्होंने वास्ते बनावे। अल्लाह ने तौफीक दी तो अही आ देना। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, आपकी नीयत पे बिल्कुल शक नहीं, जिस तरह से आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं मजीद करते रहे। तो नाज़रीन, मसला है कि असी हुण अल्लाह दे फज़ल नाल प्रॉपर्टी टैक्स भी देने, इनकम टैक्स भी देने, मिसाल डेढ़ के पौने 2 लाख रुपया साल का मैं टैक्स देना फैलरा। मैं गवर्नर साहब ने मैनू आख्या कि तुहाडा, चलो होर तो तुसीं नहीं कोई खिदमत लैंदे सर्वर ने, कि तुहाडा टैक्स मेरे अगे पिया आई बी को महकमा, उन्हें लिख के दिता इनक्वायरी हुई तो उन्हें मेरे को कागज पैड ने तुहाडा टैक्स ही माफ़ कर दिए, मैं अजे टैक्स माफ़ भी नहीं करवाउणा। चलो ये दसो कि नज़रिया तुहाडा क्यों नहीं करवाउणा? मैं जी आ 250 की खिदमत अही करने पे 40 साल तो, आ जिहड़ा अही टैक्स देना है 23-24 करोड़ की खिदमत है, सिर नूं हाथ फड़ के बह गया। नाज़रीन, आपने इनकी स्टोरी जानी, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रिजा में उनकी खुशी के लिए ये काम कर रहे हैं। ये चाहते तो ख़ुद को भी फ़ायदा पहुंचा सकते थे, रेंट आउट कर सकते थे, कोई बिज़नेस कर सकते थे, अपनी औलाद को कोई नफ़ा पहुंचा सकते थे, लेकिन इन्होंने अल्लाह ताला को खुश करने के लिए उनकी मखलूक की खिदमत कर रहे हैं और ये 3 कनाल की जो ज़मीन है, ये घर है, ये कमरे हैं, ये गरीबों के लिए, मुसाफिरों के लिए मुख्तस कर दिए हैं और आने वाले दिनों में लड़कियों के लिए भी ये सोच रहे हैं कि जो बेसहारा खवातीन हैं, बेघर खवातीन हैं, उनके लिए भी आने वाले दिनों में इस तरह के इकदाम वो करेंगे। मैं यकीन करती हूँ कि आपको इनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी और इनसे मिलकर आपको, आप लोगों ने भी सीखा होगा कि इस दुनिया में रहते हुए हमें भी किसी हद तक इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें जितनी भी इस्तात दी है। इसी मैसेज के साथ अपनी मेज़बान खुशबू को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।